तो दोस्तों मैंने प्राइम पर फिल्म देखी कैप्टन मिलर, और ये एक तरह से फिल्म है कि जैसे कि पहले जमाने में क्या होता था कि गांव में सब लोग अलग अलग टाइप से रहते थे, बिरादरी वगैरह टाइप से। तो ये दलित परिवार का था, इसको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। तो इसके मन में ये था कि अंग्रेज ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अंग्रेज किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबको एक तरह से ट्रीट करते हैं पोजीशन के हिसाब से। मतलब सिपाही है तो सिपाही के साथ अफसर भी खाना खा लेता है, कोई भेदभाव नहीं। तो ये बात उसके मन में आ जाती है, और इस वजह से वो अंग्रेज की जो फौज है उसमें भर्ती होना चाहता है। जब वो भर्ती हो जाता है तब ये देखता है कि अंग्रेज की जो फौज है वो अपने ही लोगों को मरवा रही है। फिर उसके मन में आ जाता है विद्रोह, और विद्रोह के बाद अंग्रेज लोग उस पर रख देते हैं इनाम, और कैसे वो बागी बन जाता है। फिर उसके बाद की कहानी बस यही है। तो ओवरऑल ओवरऑल फिल्म की कहानी, डायरेक्शन, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है प्लस माइनस वाला, की कहानी स्टार्ट होगी फ्यूचर में, फिर उसके बाद जाएगी पास्ट में, फिर आएगी फ्यूचर में, फिर जाएगी पास्ट में, कहाँ स्लो मोशन होना है इसका ध्यान नहीं रखा गया है, कहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड है, अचानक से फाइटिंग होती है। मतलब कि मैं ये फिल्म एक बार में नहीं देख पाया। मेरे को ऐसा लगा कि बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि यार फिर चलो बाद में देख लेंगे, फिर बाद में देख लेंगे। मतलब एक तो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा था, स्मूथली नहीं हो पा रहा था कि एक ही बार में देखते चले जाऊं। और ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी कहानी थी, लेकिन अच्छी कहानी में डायरेक्टर साहब ने या राइटर ने, जो भी है फिल्म की टीम ने, फिल्म को और अच्छा बनाने के लिए आज की ऑडियंस के हिसाब से मसाला डाला गया, जिसकी वजह से ये फिल्म खिचड़ी की तरह हो गई है, ना अच्छे में रही और ना ज्यादा वैसे में रही। तो मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे लिए ये एक एवरेज मूवी है, जिसमें क्या कहते हैं, फिल्म तो अच्छी है कि देखना तो है, मतलब आप ये तो नहीं कहूंगा कि इसे ना देखो तो काम चल जाएगा, आप देख लो बेशक, लेकिन टुकड़ों में देखो तो मुझे लगता है ज्यादा सही है, थोड़ा 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 पार्ट करके, क्योंकि ओटीटी पे है, जब तक मन कर रहा देखो, फिर जहां मन क्रिएट कर रहा तो हटाओ। और उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स करने की कोशिश की है, सिंगल ट्रैक पे फिल्म नहीं रहती है, छोटी सी लव स्टोरी भी है, उस जमाने के समाज का चित्रण भी है, और कैसे विद्रोह वाला जो रहता है जिनको बागी कहते हैं वो चीज है, और लास्ट में जो एक ट्विस्ट छोड़ दिया गया है कि इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म एवरेज मूवी है मेरी नजर में, बाकी सब लोग ने तो बहुत अच्छी बताई है, इसे तारीफ करी है सबने, लेकिन मैंने देखा तो मेरा कंसंट्रेशन या मेरा किसी भी कैरेक्टर साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहा, मैं बस देखते जा रहा था कि जब खत्म हो कैसे भी करके जल्दी खत्म हो फिल्म। तो इस भाव से मैंने ये फिल्म देखी है। तो ओवरऑल ओवरऑल एवरेज ठीक ठाक मूवी है, देखो अच्छी बात है, और टुकड़ों में देखो तो और भी अच्छी बात है। तो दोस्तों बजते हैं फिल्म के बारे में, जय हिंद, वंदे मातरम।